तो शस्त्र पकड़ हाथ में भाई। एक और जहाँ पूरा देश दशहरे पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है और रावण के पुतलों को दहन करने की तैयारी में जुटा है, वहीं सहारनपुर के भावसा गांव है जहां पर रावण की पूजा पाठ की जाती है और देख सकते हैं ये रावण की एक प्रतिमा गाय के गोबर से बनाई गई है और यहां पर ये रावण के वंशज बैठे हैं जो रावण की पूजा कर रहे हैं और इनका मानना है कि ये भगवान राम को भी मानते हैं, तो वहीं तीनों वेदों के ज्ञाता रावण की भी पूजा पाठ करते आए हैं। हमारे साथ गाँव के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे जो अपने आप को रावण के वंशज कहते हैं। भाई साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आप रावण की पूजा क्यों करते हैं और किस तरीके से इसको करते आ रहे हैं। रावण की पूजा, बाबा रावण हमारे पूर्वज हैं और हमारे बुजुर्गों के टाइम से ये पूजा हम देखते आ रहे हैं, हम भी पूजा करते हैं। वर्तमान में जो पुतला दहन हर साल किया जाता है, जब एक बार किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाता है तो बार बार ये अच्छा नहीं लगता, हमको इससे पीड़ा होती है। हम भगवान राम में भी आस्था रखते हैं लेकिन हमें पुतला दहन कार्य ये जो हर साल होता है इसमें हमें बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वो बहुत शास्त्रों के ज्ञाता थे, बहुत विद्वान ब्राह्मण थे। माता सीता को अपने यहाँ सहसम्मान उन्होंने रखा, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा चरित्र उनका नहीं है। ये दुष्प्रचार जिस तरह का किया जा रहा है ये हमें बहुत ही गंदा लगता है। हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान राम की पूजा के साथ साथ रावण को भी पूजा जाता है। आप बताएंगे, जैसे आप युवा हैं और रामलीलाओं का भी दौर चलता है और रावण का भी पुतलों को भी दहन किया जाता है, तो आप किस तरीके से इसे देखते हैं, क्यों पूजा करते आ रहे हैं? देखिए, हमें जो हमारे पापा बाबा का कहना है कि हम कभी पहले नहीं गए, वे नहीं कभी जाते थे रामलीला में, तो हम भी नहीं रामलीला में जाते हैं। रामलीला राम को हम मानते हैं लेकिन हम बार बार, अगर आप किसी आदमी को एक बार जला चुके हैं उसको बार बार जलाना तो किसको इस चीज़ की दे नहीं होगी। तो दूसरी बात, जब हम इसको मान रहे हैं, हम राम को ही मानते हैं, तो आप बार बार ये इस चीज़ को ऐसे बनाना बार, तो ये हमें पूर्वज बनाते आए, देख लीजिए, आपने देखा भी होगा, हम गोबर की प्रतिमा से बनाकर राम रावण की पूजा करते हैं और हर साल ऐसे हमारे बड़े करते हैं, फिर हम करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और हम इस चीज़ का बहिष्कार करते हैं। हर बार जो रावण का पुतला फूकता है ये हमें अच्छा पसंद नहीं है, तो हम इस चीज़ का बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल, जो युवा पीढ़ी है वो भी जो रावण के पुतलों का दहन किया जाता है उसका बहिष्कार करते हैं, विरोध जताते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रावण एक विद्वान रहे हैं और आज उनके पुतले जलाए जाते हैं और आप लोग पूजा पाठ करते हैं, इसका क्या महत्व है? जी, रावण एक विद्वान पंडित थे, हमारे बाबा थे, और जो हम उनके उसको मानने दशहरा के समय पूजते हैं, और जी हम राम को भी मानने से शायद हम अगर इसको ज़्यादा दें इसका वो करा जा रहा उसके हम विपरीत हैं। जिस तरह से क्या क्या पूजा की जाती है, क्या इसको लेकर आप लोग चलते हैं, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम मनाते हैं, कैसे इसकी पूजा आराधना की जाती है? जी, इसको हम परिवार सब इकट्ठा हो इसकी परिक्रमा करें जी, लें और जी उसको करते हैं, फिर उसको लेकर फिर उसको उसको इसका दही का प्रसाद बनाते हैं, वो बांटते हैं और जी शस्त्र की पूजा होती है, अस्त्र शस्त्र की, और वो बढ़िया पुतले बनाए जाओ जी। ये थे गांव के लोग जिन्होंने बताया कि ये जो सभी वेदों के ज्ञाता रावण हैं इनके पूर्वज थे और जिसको लेकर न सिर्फ उनकी पूजा अर्चना की बल्कि गोबर के उपलों से उनकी प्रतिमा बनाकर उनको श्रद्धांजलि भी दी है। गाँव वालों का कहना है कि ये न सिर्फ रावण को ही अपना पूर्वज मानते हैं बल्कि भगवान राम में भी आस्था दिखाते हैं। रोशन लाल सैनी, ईटीवी, सहारनपुर।